दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाने के बावजूद पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी ये कहती है कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे और बतौर सबूत दो दिन में आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज ने दो पत्र जारी कर कहा कि लो देख लो दिल्ली की जनता के लिए इतने बेचैन हैं अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी से ही आदेश देने लगे, लेकिन आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज की ये बातें हकीकत कम फसाना ज्यादा है। पत्र को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और पत्र फर्जी। ईडी के सूत्र भी इन बातों के समर्थन में दलील देते हैं। आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में भ्रम तेजी से फैल रहा है, सरकार ठप पड़ी है। ऐसे में एलजी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एलजी ने जेल से सरकार नहीं चलाने की बात कही। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल इस्तीफे से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब एलजीबी के सक्सेना के जवाब के बाद दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ सकता है। देखना यह है कि सरकार का कामकाज किस तरह से आगे बढ़ेगा। एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को मैं भरोसा दे सकता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उपराज्यपाल से पूछा गया था कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी, इसका दो टूक जवाब उन्होंने दिया और इस जवाब के बाद अब बर्खास्तगी तक अरविंद केजरीवाल पर खतरे की तरह मंडराने लगी। एलजी के ताजा रुख से दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव का नया दौर देख सकता है। पार्टी कह चुकी है जेल से सरकार चलाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए हैं। जेल से सरकार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने ईडी की कस्टडी और जल और स्वास्थ्य विभाग के लिए दो निर्देश जारी किए। हालांकि भाजपा ने इसको लेकर एलजी से शिकायत की है, उनके निर्देशों को फर्जी बताया और ईडी के सूत्रों ने ये भी कहा कि केजरीवाल को हिरासत में किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है। जेल से सरकार चलाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स एलजी की मंजूरी को सबसे अहम बता रहे थे। जेल से सरकार चलाने में व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि एलजी चाहे तो किसी इमारत को जेल घोषित कर सकते हैं, वहां केजरीवाल को रखा जा सकता है, यहां से केजरीवाल सरकार का कामकाज भी देख सकते हैं। हालांकि एलजी ने साफ किया कि वो ऐसा नहीं करने वाले। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनमत संग्रह भी करवाया था। दिल्ली की जनता से ये पूछा गया कि यदि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ज्यादातर लोगों ने जेल से सरकार चलाने के पक्ष में अपना मत दिया। हालांकि केजरीवाल की सरकार ने एक जनमत संग्रह शराब नीति के मामले में भी कराया था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वो पूरा जनमत संग्रह ही फेक था। उसे वक्फ बोर्ड में बैठे मनीष सिसोदिया के लोग प्लांट कर रहे थे, जिसे सरकार जनता की राय बता रही थी। इसलिए अब आम आदमी पार्टी के इस जनमत संग्रह का भी कोई मतलब नहीं रह गया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में साफ कह दिया कि उनकी याददाश्त गुम हो गई है, कुछ उसी तरह से केजरीवाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में कह डाला कि उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो गई है, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो क्या करूं। शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें जमानत दे दो, तुरंत जमानत दे दो। इतना ही नहीं, केजरीवाल के खिलाफ सभी गवाहों की तुलना उन्होंने जयचंद से की और केजरीवाल को राजा हरीश चंद्र का एकमात्र वारिस बता डाला। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनको ईडी की रिमांड पर भेजे जाने से सिंघवी पूरी सुनवाई के दौरान बौखलाए दिख रहे थे। वे सारी दलीलें दे रहे थे जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दी थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं। ईडी कहती है मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो क्या ये गिरफ्तारी का आधार बन जाएगा? उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से ठीक पहले क्या मेरी गिरफ्तारी जरूरी थी? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे सवाल दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का प्रस्ताव दिया। अब गिरफ्तार कर कहते हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता था। अगर ऐसा है तो क्या मैं इससे पहले ही ऐसा नहीं कर सकता था? असल में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। वकील सिंघवी ने कहा कि ये गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है, ये कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई, प्रचार से रोक दिया गया। एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। सुबह मैंने कहा था कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा।
तब कहा गया जो रिमांड कल खत्म हो रही है उस मामले पर आपको जिरह करनी है। इस केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि दोनों बातों का एक ही परिणाम होगा, मुझे आज ही अंतरिम जमानत पर रिहा कीजिए, गिरफ्तारी और रिमांड दोनों ही गलत हैं। फिर जज ने कहा कि लेकिन मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा, ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो एक आदेश पारित करेंगे जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब कि अरविंद केजरीवाल के वकील अदालत से जो चाहते थे वो हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी आम होने के बाद फिर उनके शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को अजेय मानकर चल रही थी, वहां के मौजूदा सांसद और पार्टी के घोषित उम्मीदवारों सहित एक विधायक ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात ये, इस्तीफा देकर कांग्रेस में ही नहीं बल्कि पंजाब में चौथे नंबर की पार्टी मानी जा रही बीजेपी में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन की और अब जलंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और जलंधर पश्चिम विधायक शीतल अंगुराल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी के पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर तावड़े ने कहा कि दोनों नेताओं के आने से पंजाब में बीजेपी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों नेताओं की क्षमताओं का पंजाब और पार्टी के हित में उपयोग किया जाएगा। पुरी ने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो विकास हो रहा है, लेकिन पंजाब इसमें पीछे रह गया। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को भाजपा के नेता अक्सर डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जाखड़ ने दोनों नेताओं का भाजपा में स्वागत किया और बताया कि पार्टी मुख्यालय पहुंचने से पहले रिंकू ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद रिंकू ने कहा कि वो किसी लालच के कारण भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनका एकमात्र मकसद जलंधर का विकास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राज्य और शहरों का विकास हो रहा है, लेकिन जलंधर इस मामले में पीछे छूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास के मामले में उनका साथ नहीं दिया। रिंकू ने खुद को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यप्रणाली का मुरीद बताया और कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जलंधर के लिए नई ट्रेन की मांग की तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन दे दी। उन्होंने कहा कि जलंधर की बेहतरी के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं और नया जलंधर बनाएंगे। रिंकू ने पिछले साल जलंधर उपचुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वह निवर्तमान लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी ने जलंधर से सुशील रिंकू को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया था। आप में शामिल होने से पहले वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं। साल 2023 में कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन उन्हें जलंधर संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था। सूत्रों ने बताया कि रिंकू पार्टी में शामिल होने के बाद अब भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुशील कुमार रिंकू और शीतल से पहले लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भाजपा में आ गए थे। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उनकी कट्टर पंथियों ने हत्या कर दी थी। रवनीत सिंह बिट्टू का भी अपना जनाधार रहा है और वे खालिस्तान के खिलाफ मुखर चेहरों में से एक रहे हैं। उनका पार्टी में आना भाजपा के लिए बड़ी ताकत है और यही नहीं, भाजपा में अंदर खाने चर्चा यह है कि रवनीत बिट्टू को लुधियाना से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा सुशील कुमार रिंकू भी अब भाजपा के टिकट पर उतर सकते हैं। पंजाब में भाजपा इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतर रही है, उनका अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं हो सका है। अब पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, अरविंद केजरीवाल पर यह बात पूरी तरह से लागू होती दिख रही है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल खालिस्तान कनेक्शन के पन्ने उनके खुलने लगे हैं। केजरीवाल ने खालिस्तानियों से जमकर पैसे लिए और इसके लिए आतंकी देवेंद्र पाल पुल्लर की रिहाई का वादा भी किया। पुल्लर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले का दोषी है केजरीवाल, पर ये सारे आरोपी किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी गुरबतवंत सिंह पन्नू ने लगाए। कनाडा में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला गुरबतवंत सिंह पन्नू, जिसने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी आतंकियों से $16 मिलियन यानी 133 करोड़ रुपए साल 2014 से 2019 के बीच लिए। बात सिर्फ आतंकियों से पैसे लेने की नहीं है। पन्नू ने खुलासा करते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने साल 2014 में न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकियों से मुलाकात की थी और आतंकी देवेंद्र पाल सिंह पुल्लर की रिहाई का वादा किया था। पुल्लर 1993 में दिल्ली बम धमाकों के मामले में जेल की सजा काट रहा है। केजरीवाल ने भारत में हुए किसान आंदोलन का समर्थन खालिस्तानी आतंकियों के कहने पर ही किया था और किसानों की मांगों को जायज ठहराया था।
किसान आंदोलन की आड़ में पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया गया और इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने जमकर फंडिंग भी की। पन्नू के इस खुलासे से राघव चड्ढा का इंग्लैंड दौरा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। खालिस्तानी समर्थक ब्रिटिश सांसद प्रीति गिल से जाकर मिला और इससे बीजेपी के अमित मालवीय ने इस पर तीखे सवाल भी पूछे। इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुमार विश्वास ने भी अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का गंभीर आरोप लगाया था। कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल खालिस्तान समर्थक हैं और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही खालिस्तान के समर्थक रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो वे अपने योजना के बारे में बताते रहते थे। एक दिन केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि या तो पंजाब के सीएम बनेंगे या फिर आजाद देश के पीएम। केजरीवाल पर यह आरोप रहा है कि वो खालिस्तान के खिलाफ कभी नहीं बोलते। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल से एक साधारण सी मांग की थी। केजरीवाल को खालिस्तान के खिलाफ एक बयान दे देना चाहिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू के आरोप पर राघव चड्ढा की इंग्लैंड में खालिस्तान समर्थक से मुलाकात एक नई कहानी कहती है, जिसके जाल में आखिर केजरीवाल को फंसना ही होगा। एक तरफ शराब घोटाला और दूसरी तरफ खालिस्तानी कनेक्शन केजरीवाल की मुसीबत को चुनावी मौसम में काफी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा और गुजरात में गठबंधन किया, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। पंजाब कांग्रेस केजरीवाल को समर्थन देने के सख्त खिलाफ है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान केजरीवाल के गम में डूबे हैं। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि ईडी की हिरासत में गए अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के इतने खिलाफ हैं कि अगर कांग्रेस पंजाब में गठबंधन करने की कोशिश करती तो पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ जाता। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता और तीन बार के सांसद रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस सिर्फ केजरीवाल प्रेम की वजह से छोड़ी। दोनों दल पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में 4 और 3 सीटों पर दोनों के बीच समझौता हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडी अलायंस का हिस्सा हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने अरेस्ट किया तो दिल्ली कांग्रेस के कई नेता उनके घर पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात की। यही नहीं, 31 मार्च को इंडी अलायंस की एक रैली दिल्ली में होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। अगर कांग्रेस इसमें शामिल होती है तो पंजाब में यही संदेश जाएगा कि दिल्ली में दोनों एक हैं और पंजाब में परस्पर विरोधी होने का नाटक कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक है। पंजाब यूनिट ने तो भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में अमरिंदर राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा, ओपी सोनी, परगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ब्रह्म मोहिंद्रा और तृप्त रजिंदर बाजवा समेत कई नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में एक स्वर से सभी नेताओं ने कहा कि इसमें हमें ईडी की हिरासत में गए अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि पंजाब में कई कांग्रेस के नेताओं पर भगवंत मान सरकार ने कार्रवाई की। और इतना ही नहीं, इस एक्शन को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तौर पर पूरे देश में प्रचारित किया गया। यदि ऐसा है तो फिर हम क्यों अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें जो भ्रष्टाचार के मामले में ही पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बवाल उद्धव की पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस में शुरू हो गया। संजय निरुपम ने तो साफ तौर पर कांग्रेस को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और वर्षा गायकवाड़ ने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है। इन दोनों के पहले मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे की लिस्ट देखते ही संजय निरुपम बागी हो गए। उन्होंने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से संजय जाधव को टिकट देने पर आपत्ति जताई है। संजय निरुपम ने जाधव को खिचड़ी चोर तक कहा। जाधव पर कोविड-19 के दौरान घोटाला किए जाने का आरोप लगा था। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। संजय निरुपम ने बागी तेवर अपनाते हुए अपनी पार्टी को 7 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई विकल्प हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। संजय निरुपम ने साफ कहा कि वो खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि शिवसेना के आगे कांग्रेस दब गई है। कांग्रेस नेता वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि शिवसेना यूबीटी को सांगली लोकसभा और मुंबई लोकसभा सीटों के लिए एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। सहयोगियों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हमने अपनी पार्टी के नेताओं से इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है। शिवसेना यूबीटी नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने पार्टी द्वारा
पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे के को टिकट देने की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि मैं खैरे के लिए नहीं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, पार्टी चाहती है कि मैं विपक्ष के नेता के रूप में काम करूं, जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।